नमस्कार फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि सांकी का क्या अर्थ होता है और सारणी किस प्रकार से बनती है और सारणी का क्या उपयोग होता है सांकी में। साथ ही साथ हमने देखा था कि डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है, स्तंभाकार, बहुभुजाकार इत्यादि विधियों का हमने पिछले वीडियो में स्टडी कर लिया है। और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हमने सांकी के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाली सबसे मेन विधा को सम्मिलित किया है, जिसे कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो फ्रेंड्स, जो सांकी होती है बेसिकली इसी पर डिपेंड करती है, केंद्रीय प्रवृत्ति पर ही डिपेंड करती है। तो इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और उनको ज्ञात करने की विधि क्या क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मान लीजिए एक कक्षा आठ की एक क्लास है, तो उसमें मान लीजिए 50 बच्चे हैं, तो उन 50 बच्चों की एज थोड़ी सी अलग अलग हो सकती है। कुछ बच्चे हो सकता है 12 साल के हों, कुछ हो सकता है कुछ 11 साल के हों, कुछ हो सकता है 14 साल के हों, कुछ हो सकता है 15 साल के हों। लेकिन अगर आप ऑन एवरेज देखें तो लगभग उस कक्षा में जो बच्चे होंगे उनकी जो एज होगी, क्योंकि शिक्षा जो शुरू होती है वो 5 साल से शुरू होती है ये माना जाता है, और वो कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं, तो उनकी जो ऑन एवरेज एज होगी वो होगी 13 वर्ष। यानी कि ये जो 13 वर्ष है ये उस कक्षा का प्रतिनिधित्व करता है कि मैक्सिमम जो बच्चे होते होंगे कक्षा 8 में उनकी उम्र जो होती होगी वो 13 वर्ष होती है। तो यानी कि 13 जो है एज ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसी तरीके से ये कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप उस माप को कहते हैं जो दिए गए आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। ये आपको एक शॉर्ट टर्म में एक परिभाषा इसकी ये हो सकती है कि केंद्रीय प्रवृत्ति कहते किसे हैं। अब दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से तात्पर्य औसत मान से होता है। तो आपने देखा कि ऑन एवरेज कक्षा 8 के जो बच्चे हैं उनकी एज 13 वर्ष है, तो उनकी जो एवरेज आयु है, जिनकी जो औसत आयु है वो 13 वर्ष है। तो इस तरीके से केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से तात्पर्य होता है औसत मान, यानी कि एवरेज वैल्यू से। ठीक है, सांख्यिकी में औसत का अर्थ ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से लगाया जाता है। रॉस के अनुसार इसकी जो परिभाषा दी गई वो देख लेते हैं। रॉस कहते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो समस्त आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो सबसे उचित प्रतिनिधित्व करे वही जो है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कहा जाएगा। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की विभिन्न मापों को किस रूप में मापा जाता है, यानी कि विभिन्न मापें कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली तीन प्रकार की जो मापें होती हैं उन्हें हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। उसमें से पहली जो होती है वो होता है मीन, यानी कि मध्यमान, दूसरा होता है मीडियन यानी कि मध्यांक, और तीसरा होता है मोड यानी कि बहुलांक। आगे हम लोग देख रहे हैं कि मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक कैसे ज्ञात करते हैं, इनके गुण क्या हैं और दोष क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग मीन यानी कि मध्यमान से। अगर इस पूरे जो है जो आप देख रहे हैं इस पीडीएफ को लिखित भाषा पढ़ना चाहते हैं तो आप studywithgyanprakash.com पे जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मध्यमान की, मध्यमान यानी कि मीन। तो फ्रेंड्स, मध्यमान जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है यानी कि मध्य का मान। तो इसको ज्ञात करने के लिए जो विधि प्रयोग में लाई जाती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन ये सबसे अधिक विश्वसनीय विधि भी मानी जाती है। इसमें दिए गए आंकड़ों का सबसे पहले हम उनका योग निकालते हैं, फिर दिए गए आंकड़ों की संख्या से हम उसको विभाजित करते हैं, फिर एक एवरेज वैल्यू प्राप्त करते हैं। और ये बहुत ही विश्वसनीय विधि है, बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग जब आप परीक्षण करते हैं तो अलग अलग परीक्षण में भी इसका एक ही वैल्यू प्राप्त होती है, यानी कि काफ़ी ये अच्छी विधि मानी जाती है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है ये देख लेते हैं। गणितीय मध्यमान भिन्न भिन्न आंकड़ों के योग को उनकी संख्या में विभाजित करने पर प्राप्त मूल्य है। ठीक है, सिंपसन एवं काफ्का, इनके शब्दों में अगर देखा जाए तो मध्यमान यानी कि मीन एक लब्धि है जो कि समूह में पदों के योग को पदों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। चलिए अब हम लोग एक उदाहरण के तौर पर इसे स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए आपको संख्याएं दी गई हैं 20, 10, 5, 15 और 10। तो कितनी संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4 और 5। अब आप इनको योग कर लेंगे, मतलब इनको आप अगर आप ऐड कर लें तो इनको ऐड करने के बाद क्या आएगा आपका, आपका आ जाएगा 60। ठीक है, और नंबर कितने हैं 5, मतलब ये 5 संख्याएं हैं तो इनको आप 5 से भाग दीजिए तो आपका जो उत्तर आएगा कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप 60 को 5 से भाग दें तो क्या आएगा, 12। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है,
तो 12 क्या हो गया, ये आपका मध्यमान हो गया। तो इस तरीके से मध्यमान को ज्ञात किया जाता है। इसके आगे के वीडियो में, इस वीडियो में तो हमने सिर्फ इनके बारे में डिस्कस किया है, आगे के वीडियो में हम बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। अगर आप जानना चाहते हो उस विधि को तो अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं मध्यमान के गुण क्या होते हैं, यानी कि मेरिट्स ऑफ मीन। किसी भी एक मान के ज्ञात न होने पर भी मध्यमान गणना संभव नहीं। इस प्रकार मध्यमान सभी आंकड़ों का उचित प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि क्योंकि इसमें सभी आंकड़े जो सम्मिलित होते हैं, इसलिए ये बहुत विश्वसनीय विधि मानी जाती है। इसके द्वारा समस्त शोधकर्ता एक समान मूल्य प्राप्त करते हैं, क्योंकि आपने देखा कि एक निश्चित सूत्र, एक नियम का प्रयोग होता है, इसलिए चाहे जितनी बार आप आंकड़ों को वेरीफाई करेंगे उतनी बार आपको एक समान वैल्यू प्राप्त होती है, इसलिए काफी विश्वसनीय विधि मानी जाती है। मध्यमान के समस्त अंकों के विचलन का योग शून्य होता है, इस प्रकार यह एक संतुलन बिंदु होता है। मध्यमान सबसे अधिक बार केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में प्रयुक्त होता है, यानी कि जब भी आप एक औसत वैल्यू यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में जब आप बात करते हैं तो सबसे अधिक बार इसी का प्रयोग किया जाता है। और क्योंकि ये गणना करने में सरल है और ये आसानी से लगभग सही आपको वैल्यू दे देता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बीजगणितीय नियमों के प्रयोग से अज्ञात आंकड़ों को भी इस विधि से प्राप्त किया जा सकता है। मान लीजिए आपको दे दिया गया हो कोई एक आंकड़ा हो, मान लीजिए पहला आपको ज्ञात ना हो यक्ष हो, उसके बाद दो हो, फिर छः हो, फिर आठ हो, ठीक है। अब इनको आपको मध्यमान आपका दे दिया गया हो, तो अगर आप लीजिए जितना भी मध्यमान आपको मिला, मान लीजिए इसका मध्यमान आपको दे दिया गया 20, अगर आपसे कहा जाए कि यक्ष की वैल्यू फाइंड आउट करो तो आप इसको आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इनको जोड़ लीजिए 1, 2, 3, 4 चार संख्या, चार से डिवाइड कर देंगे, बराबर कितना है 20 है। तो इस तरीके से आप फार्मूले में पुट करके अज्ञात संख्या को भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं मध्यमान के दिए गए विचलन के वर्ग का योग किसी अन्य मूल से लिए गए विचलन के वर्गों के योग से कम होता है, यानी कि यह विधि भी काफी अच्छी मानी जाती है, यह काफी विश्वसनीय ट्रस्टेबल विधि है, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला, मध्यमान के दोष क्या होते हैं, यानी कि इसकी डेमेरिट्स क्या है। तो यदि अंक श्रृंखला में एक मूल्य ज्ञात न हो तो मध्यमान की गणना नहीं की जा सकती है। देखिए हमने वहां पे आपको उत्तर दे दिया था, इसलिए आपने जो अंक ज्ञात नहीं था उसको आपने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अगर आपको उत्तर का पता ना हो यानी कि मध्यमान कितना है यह पता ना हो तो आप मध्यमान को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सपोज करिए एक संख्या दी गई है यक्स, फिर दो है, फिर आठ है, फिर 13 है और 16 है। अब आपको अगर इसका मीन निकालने के लिए कहा जाए तो आप इसका मीन कैसे निकाल सकते हैं, जबकि यक्स की वैल्यू पता नहीं है, यानी कि अगर एक भी संख्या पता ना हो तो आप मीन ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए, मध्यमान की गणना सभी मूल्यों की सहायता से की जा सकती है, अतः कभी कभी असामान्य या सीमांत पद इसके मूल्यों को प्रभावित करता है, इस कारण यह मापन अंकों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है। मान लीजिए एक औसत वैल्यू है 2 है, 6 है, 10 है, 12 है, 15 है, और एक संख्या आती बाद में 300, तो ये 300 बहुत बड़ा इफेक्ट डाल देती पूरे वैल्यू पे, इसलिए आपको एक ऑन एवरेज वैल्यू प्राप्त नहीं हो पाती है। ये भी इसका एक डिमेरिट है कि अगर कोई एक संख्या बहुत अधिक विसंगति रखती हो तो आपको सही वैल्यू प्राप्त नहीं हो पाती है, और कभी कभी यह अवास्तविक मूल्य भी प्रदर्शित करता है। मान लीजिए 3 गायें हैं, ठीक है, उनके जो है 3 गायें हैं, उनके पहले गाय से 2 बच्चा है, दूसरी गाय से भी 2 हैं और तीसरी गाय से 3 हैं। अगर आपसे कहा जाए कि औसत निकालिए यानी कि मध्यमान जो ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 2+2+3/3 कर देंगे। इस तरीके से आप देखें तो 7/3 और इसकी वैल्यू क्या होगी, 3.3, क्योंकि 3.3 एक ये मतलब सही वैल्यू नहीं है, किसी भी गाय को 3.3 बच्चा नहीं हो सकता है, तो ये थोड़ा सा अवास्तविक मूल्य आपको दे देता है, लेकिन फिर भी ऑन एवरेज ये सबसे सही विधि और विश्वसनीय विधि मानी जाती है। आइए देखते हैं मध्यांक। मध्यांक क्या होता है, देखिए इसे अगर आप इसका संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा मध्य का अंक, मध्यधन अंक, यानी कि बीच की जो संख्या होती है। तो इसको ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि क्या होती है, गैरेट ने कहा है कि जब अव्यवस्थित अंक या अन्य प्रकार या मूल्यों के अनुसार क्रमबद्ध हो जाएं तो उनके मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। गिलफोर्ड ने कहा है कि मध्यांक मान किसी मापनी पर उस बिंदु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके ऊपर ठीक आधी इकाइयां और नीचे ठीक आधी इकाइयां स्थित होती हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि मध्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें दिए गए आंकड़ों को एक व्यवस्थित क्रम में रखने के पश्चात मध्य के अंक को मध्यांक के अंक में चुनना होता है। अब एक उदाहरण देखिए जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए देखिए एक संख्या दी गई है 14, 24, 30, 31, 36, 44 और 60।
अब इसमें मान लीजिए आपको मध्यांक ज्ञात करने कहा जाए मीडियन, तो बीच में 31 आ रहा है, उसके पहले तीन संख्याएं, बाद में भी तीन संख्याएं हैं, तो 31 आपका मीडियन हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये संख्याएं अव्यवस्थित होती तो सबसे पहले आप उसे आरोही या अवरोही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसे पहले समायोजित करेंगे, सेट करेंगे, देन आफ्टर आप बीच की संख्या को चुन लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं मध्यांक के गुण क्या होते हैं। तो आपने देखा कि ये एक बहुत आसान विधि है, इसमें समय और गणना दोनों से बचा जा सकता है, यानी कि इसे कम समय में ज्ञात किया जा सकता है। मूल्य सदैव निश्चित रहेगा, कितनी भी बड़ी संख्या हो बीच का जो अंक होगा उसको आप ज्ञात कर लेंगे तो आपको एक निश्चित मूल्य हमेशा मिल जाता है। सीमांत मूल्य, अगर मान लीजिए यक्स वाई जेड है शुरू में, मान लीजिए कोई यक्स वाई जेड दिया गया है, उसके बाद लास्ट में भी ए बी सी दिया गया है, तो बीच में जो संख्या होती है उसके आधार पर मध्यांक की गणना की जा सकती है, यानी कि एक सरल विधि है। और इसके दोष क्या होंगे फ्रेंड्स, देखिए कभी कभी जब मूल्यों के मान में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है तो इसके द्वारा मान समस्त आंकड़ों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अब आप जैसे कि आप सपोज करिए कि मान लीजिए पहली संख्या दी गई हो 2, 3, फिर 500 हो, फिर 900 हो, फिर आगे चल के 100, तो आप देखेंगे कि मान लीजिए बीच में अगर 500 आता है तो ये सही जो है आपको एवरेज वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, इसी प्रकार इसका गणितीय विवेचन भी संभव नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई निश्चित नियम नहीं, कोई इसका सूत्र इसमें अप्लाई नहीं होता है, तो इसका गणितीय विवेचन नहीं हो पाता है, और किसी सूत्र के प्रयोग न होने के कारण इससे जो प्राप्त रिजल्ट होता है वो काफ़ी अविश्वसनीय भी होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगली विधि, यानी कि बहुलांक, जिसे मोड कहते हैं। फ्रेंड्स, ए मोड का क्या अर्थ होता है जानते हैं आप? यह फ्रेंच भाषा का एक शब्द होता है ए मोड, और इसका अर्थ होता है सर्वाधिक फैशन में, यानी कि जो चीज सबसे अधिक दिखती हो। तो ए मोड का अर्थ उस मूल्य से लिया जा सकता है जो वितरण में सबसे अधिक बार आता हो, यानी कि किसी भी आवृत्ति वितरण में बहुलांक मान वह मान है जिसकी आवृत्ति यानी जो सबसे अधिक बार आता है। गिलफोर्ड ने इसकी परिभाषा दी है, उन्होंने कहा कि किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलांक कहलाता है, मोड कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आप एक उदाहरण देखिए, एक आवृत्ति वितरण दिया गया है 1, 2, 2, 4, 9, 6, 16, 18, 2, 13, 2, 2, 45, 2, तो आप देख रहे हैं कि इस पूरे वितरण में 2 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए हम इसे बहुलांक के रूप में भी चुन सकते हैं, यानी कि ये इसकी एवरेज वैल्यू है। लेकिन अब इसके गुण और दोषों को भी निर्देशित करना जरूरी होता है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ आप एक देख के ही पता लगा सकते हैं बहुलांक के बारे में। सीमांत पद न भी ज्ञात हो तो भी आप इसकी गणना कर सकते हैं, और इसकी गणना में केवल अधिकतम केंद्रीकरण का बिंदु ज्ञात होना ही पर्याप्त है, यानी कि जो संख्या सबसे अधिक बार आ रही हो बस वही आप देख लें तो आप इसकी गणना कर सकते हैं। लेकिन इससे जो प्राप्त परिणाम होगा वह संदेहास्पद होगा। सपोज करिए कि एक वैल्यू 500 है, दूसरी 700 है, लेकिन बारंबारता 12 की है, तो आप 12 को मध्यमान वैल्यू के रूप में यानी कि इसका जो मोड है उसके रूप में आप चुन लेते हैं बहुलांक के रूप में, लेकिन ये जो है डेफिनेट एवरेज वैल्यू नहीं होगा, यानी कि ये पूरे आंकड़े का को सही रूप में प्रदर्शित नहीं करता है, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी को ये निर्देशित नहीं कर पाता है। तो अनिश्चित व सबसे अपरिभाषित विधि है, और इसकी गणना समस्त मूल्यों पर निर्भर नहीं होती है, इसलिए इसकी गणना करने के लिए केवल सबसे अधिक बार जिसकी आवृत्ति होती है उस बिंदु को चुन के हम अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये काफ़ी जो है दोष, इसका सबसे बड़ा दोष यही माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा कि मीन, मीडियन और मोड क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और उसे कैसे ज्ञात किया जाता है। आगे के वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स को लेके इसको सॉल्व करेंगे ताकि हर बात अच्छे से स्पष्ट हो जाए। इस वीडियो को अगर हम शामिल करते हैं न्यूमेरिकल्स को तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए प्लीज वॉच द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हाँ, इस वीडियो के बारे में अपने फीडबैक से हमें अवगत जरूर कराइएगा, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।